नमस्कार, स्वागत सभी का पुनः एक और वीडियो में। और आज का वीडियो पूर्व के ही वीडियो की तरह एक और एडमिशन अलर्ट को लेकर है। यदि आप भी करना चाहते हैं इस यूनिवर्सिटी के इन कोर्सेज में अप्लाई जो मैं आपको आगे बताऊंगा, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा अपनी समझ और बुद्धि और विवेक के अनुसार और कर दीजिएगा अप्लाई। यदि आपको कोर्स और यूनिवर्सिटी आती है पसंद, इस बात का रखिएगा ध्यान। और वीडियो जितना भी आप देखें और आपको अच्छा लगे या बुरा लगे वैसे ही दीजिएगा प्रतिक्रिया। चलते हैं वीडियो पर। और यूनिवर्सिटी के नाम सीट्स एलिजिबिलिटी एंट्रेंस की फीस सब की हम करेंगे बातचीत। सबसे पहले सुन लीजिए कि क्या क्या एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलने वाले हैं उन कैंडिडेट को जिनको प्रवेश परीक्षाएं नहीं देनी है, और कौन से ऐसे कैंडिडेट हैं जिनको प्रवेश परीक्षा से छूट दी गई है, उसके बारे में भी करेंगे बातचीत। इस बात का रखिएगा विशेष रूप से ध्यान। लेकिन सबसे पहले आप डेट्स को जान लीजिए, क्या क्या इंपॉर्टेंट डेट्स है। 4 जुलाई 2021, एक मिनट हो चुका है, वीडियो कर देते हैं शुरू। 4 जुलाई 2021 का मतलब है लास्ट डेट है अप्लाई करने की इस यूनिवर्सिटी में, ठीक है। और दूसरा है 17 जुलाई 2021, इस दिन आपका एंट्रेंस टेस्ट और इंटरव्यू दोनों ही होगा। ऑनलाइन माध्यम से आपका एंट्रेंस टेस्ट और ऑनलाइन माध्यम से ही आपका इंटरव्यू भी लिया जाएगा पीएचडी पाठ्यक्रम में। और याद रखिएगा बहुत ज़्यादा कोर्सेस नहीं हैं, केवल 9 पाठ्यक्रम है, 9 सब्जेक्ट में आई हैं पीएचडी की सीटें, जिनकी संख्या है 75 के आसपास, ठीक है। कौन से 9 सब्जेक्ट हैं उसकी भी बातचीत करेंगे हम। 23 जुलाई पे जब होना है आपका एंट्रेंस और इंटरव्यू, उसके बाद अगली डेट है 6 दिन के बाद यानी कि 23 जुलाई 2021, इस दिन आपका रिजल्ट भी आ जाएगा कि आपका सिलेक्शन हुआ है या नहीं हुआ है। और लगभग अगस्त के लास्ट वीक से आपकी क्लासेस भी स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है। कुछ ज़रूरी ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर मैं आपको दे दूंगा, ईमेल आईडी और डिपार्टमेंट से संबंधित कुछ लोगों का नाम आपको दे दूंगा, जहां से आप अपनी इन्फॉर्मेशन को और पुख्ता कर सकते हैं और आगे जानकारियों को बढ़ा सकते हैं। ड्यूरेशन समझ लीजिए कि कम से कम 3 साल में और ज़्यादा से ज़्यादा 6 साल में आप अपनी पीएचडी को सबमिट कर सकते हैं। और इसके अलावा यदि आप एससी कैटेगरी से हैं, एसटी कैटेगरी से हैं, पीएच कैटेगरी से हैं, तो आप 50% यदि यूजी और पीजी में आपके नंबर आए हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं इस यूनिवर्सिटी में। एक बात का और ध्यान रखिएगा, यदि आप नेट या जेआरएफ क्वालिफाई नहीं हैं, यदि आप नेट या जेआरएफ क्वालिफाई नहीं हैं तो भी आप इस यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकते हैं पीएचडी के लिए। इसका मतलब ये मत समझिएगा कि जिन बच्चों का नेट जेआरएफ है वे ही अप्लाई कर सकते हैं। जिनका नेट जेआरएफ है उनको एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेगा, लेकिन जिनका नेट जेआरएफ नहीं है वे भी अप्लाई कर सकते हैं, इस बात का भी विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब हम बात कर रहे थे एग्जामटेड बच्चों की। जो भी बच्चे ऐसे हैं जो यूजीसी का नेट या जेआरएफ या फिर सीएसआईआर का नेट या जेआरएफ पास किए हुए हैं, इसके अलावा जो बच्चे गेट क्वालिफाई हैं, सिलेक्ट क्वालिफाई हैं और एमफिल पास हैं, तो उन बच्चों को प्रवेश परीक्षा से एग्जाम्ट यानी कि छूट दी गई है, इस बात का भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। और 70 नंबर का आपका रिटर्न एग्जामिनेशन यानी कि एमसीक्यू होगा, जो कि 1.5 घंटे का होगा, और 30 नंबर का आपका इंटरव्यू होगा। और इंटरव्यू का मतलब होगा आपका सिनॉप्सिस, इंटरव्यू का मतलब होता है सिनॉप्सिस, सिनॉप्सिस बनाने के, सिनॉप्सिस प्रेजेंट करने के, और सिनॉप्सिस में दिए गए कंटेंट को प्रेजेंट करने के साथ के ही आपके नंबर मिलेंगे। तो 3 पार्ट्स में बटा है आपका सिनॉप्सिस, आपका प्रेजेंटेशन, आपका कंटेंट, और सिनॉप्सिस को किस प्रकार से आपने डिज़ाइन किया है, फ्रेम किया है, इस बात का ध्यान रखिएगा। 70 नंबर की आपकी होगी प्रवेश परीक्षा, एमसीक्यू क्वेश्चन होंगे, 90 मिनट का पेपर होगा, किसी प्रकार की नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। पहला पेपर नॉर्मल सी बात है आपका होगा टीचिंग एप्टीट्यूड वाला, रिसर्च मेथोलॉजी वाला, लॉजिकल रीजनिंग वाला और न्यूमेरिकल एबिलिटी वाला। दूसरा आपका होगा सब्जेक्ट से संबंधित, इस बात का भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। और एक चीज़, इस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने से पहले इस यूनिवर्सिटी का ऑर्डिनेंस ज़रूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि यदि आप ऑर्डिनेंस नहीं पढ़ेंगे नहीं समझेंगे, ऑर्डिनेंस का मतलब है 5 मई 2016 का ऑर्डिनेंस, 5 मई 2016 का ऑर्डिनेंस मैं इसीलिए कह रहा हूँ, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उसको पढ़ लीजिएगा। यदि आप इस यूनिवर्सिटी में ही नहीं भारत की किसी भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना चाहते हैं एमफिल में या पीएचडी में, तो ये ऑर्डिनेंस पढ़ना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। खोज कर लाया हूँ आपके लिए, हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है, ध्यान से पढ़ लीजिएगा कि पीएचडी का टाइम, पीएचडी लीगल है या इलीगल है, प्लेगरिज्म, टाइम पीरियड, आपका एज, गैप, लैंग्वेज सब कुछ दिया है रिसर्च टॉपिक गाइड को लेकर। और इस यूनिवर्सिटी में भी ऑर्डिनेंस 2016, ऑर्डिनेंस 2018 दोनों ही होते हैं लागू,
क्या क्या नए नए चेंजेस हुए हैं ऑर्डिनेंस को लेकर इस यूनिवर्सिटी में पीएचडी सब्जेक्ट में लेकर, उस सभी की जानकारी एक पीडीएफ फाइल में है, उसके लिंक नीचे दे दिए गए हैं, उसको आप सही बच्चे चेक कर लीजिएगा, ठीक है। डेट्स आपको बता दी है और पेपर भी बता दिया, इंटरव्यू भी बता दिया, और उसके अलावा हाँ सीट्स नहीं बताई, सीट्स मैं आपको भी बता देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, लेकिन कुछ ज़रूरी चीज़ें छूट गई तो तकलीफ हो जाएगी, ठीक है। और 55% नंबर होने चाहिए पीजी में अप्लाई करने के लिए, और एक बात का और ध्यान रखिएगा, और हाँ एससी एसटी बच्चे हैं, जितने भी एससी एसटी हैं मैं देख लेता हूँ, और पीएच कैंडिडेट हैं, वे 50% यदि नंबर लाए हैं तो वे भी अप्लाई कर सकते हैं, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। और एक चीज़, यदि आप अपने एमएससी एमए एमकॉम के अंतिम सेमेस्टर में हैं या फोर्थ सेम में हैं, आपका एग्ज़ाम हो चुका है, रिजल्ट नहीं आया है, या फिर आपकी फोर्थ सेमेस्टर का एग्ज़ाम नहीं हुआ है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं इस यूनिवर्सिटी में पीएचडी के लिए, और यदि आपका सिलेक्शन होगा तो एडमिशन भी ले सकते हैं, ले आपको दिया जाएगा, लेकिन जब तक आपका फाइनल रिजल्ट नहीं आएगा आपके एडमिशन को स्टे पे रखा जाएगा, यानी कि आपको 3 से 4 महीने का समय दिया जाएगा अपना फाइनल रिजल्ट सबमिट करने के लिए, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। यानी कि जो बच्चे अपना पीजी पास कर चुके हैं वे अप्लाई कर सकते हैं, और जो पीजी के अंतिम सेमेस्टर या फाइनल ईयर में हैं वे भी अप्लाई कर सकते हैं, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। प्रवेश के लिए जो परीक्षा है उसका पैटर्न मैंने आपको बता दिया है। अब चलते हैं सीधा सीट्स पे, और सीट्स से पहले यूनिवर्सिटी के नाम पे, यह यूनिवर्सिटी कहाँ स्थित है यह आपको सब मिल जाएगा। मानव रचना यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी का नाम मानव रचना यूनिवर्सिटी, और नैक ने इसको ए ग्रेड रैंकिंग भी दी है, ए ग्रेड दिया है, तो यूनिवर्सिटी कोई बुरी नहीं है, मान्यता प्राप्त है। सब्जेक्ट और सीट को अब आप सुन लीजिए, ठीक है। जो भी आपके मतलब का सब्जेक्ट होगा अप्लाई कर दीजिएगा, और कोई समस्या सवाल हो इस वीडियो में दी गई सूचनाओं को लेकर तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। लॉ कानून इसमें 5 सीट है, एजुकेशन एंड ह्यूमैनिटी इसमें 10 सीट है, मैथमेटिक्स में 10, फिजिक्स में 10, केमिस्ट्री में 10, यानी कि PCM के जो सब्जेक्ट होते हैं, यानी कि P का मतलब फिजिक्स, C का मतलब केमिस्ट्री, M का मतलब मैथमेटिक्स, तीनों ही सब्जेक्ट में 10-10 सीटें आई हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। और एजुकेशन एंड ह्यूमैनिटी कंबाइंड सब्जेक्ट है, इसमें भी 10 सीटें आई हैं, लॉ में 5 सीटें आई हैं। और चलते हैं सीटों पर, मैनेजमेंट एंड कॉमर्स में 10, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 5, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में 5, जिसको ECE बोलते हैं, और कंप्यूटर साइंस एंड टेक्नोलॉजी में आई हैं 10 सीटें, टोटल आई हैं 75 सीटें, यानी कि इस बात का ध्यान रखिएगा कि 3 सब्जेक्ट ऐसे हैं इसमें, खासकर लॉ, मैकेनिकल इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, जिसमें 5-5 सीटें आई हैं, और बाकी सब्जेक्ट में आई हैं 10-10 सीटें। तो ये थी टोटल सीटें, लास्ट डेट आपको मैंने बता दी है फॉर्म भरने की, इस बात का ध्यान रखिएगा। यदि फिर भी कोई चीज़ मुझे छूट गई हो तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। 4 जुलाई 2021 लास्ट डेट है फॉर्म को भरने की, यानी कि लगभग 7 दिन का से कम का समय है आपके पास, अप्लाई कर दीजिए, और 17 जुलाई को अपनी प्रवेश परीक्षा और इंटरव्यू की तैयारी कीजिए। यदि इंटरव्यू क्वालिफाई होता है, यदि एंट्रेंस क्वालिफाई होता है, तो इंटरव्यू भी तैयार रखिएगा, और अप्लाई करते वक्त सिनॉप्सिस का टॉपिक यानी कि रिसर्च का टॉपिक ज़रूर मेंशन कर दीजिएगा, और सिनॉप्सिस को अटैच भी कर दीजिएगा, या SOP मांगा होगा या फुल कॉपी मांगा होगा, जब अप्लाई करेंगे तब आपको देखने को मिल जाएगा। और एक चीज़, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जितने भी लिंक दिए गए हैं सभी को चेक कर लीजिएगा, अगर लिंक चेक नहीं करेंगे तो जानकारियाँ अधूरी मिलेगी, क्योंकि आपने वीडियो पूरा देखा भी नहीं होगा, और फिर आप सवाल करेंगे तो समस्या होगी जवाब देने में, इसलिए या वीडियो पूरा देखिए, अगर वीडियो पूरा देखने की फुर्सत नहीं है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक है उसको ध्यान से देख लीजिए, पढ़ लीजिए, उसके बाद ही अप्लाई कीजिए इस यूनिवर्सिटी में 4 जुलाई से पहले। मिलता हूँ एक और अगले वीडियो में, एक और PhD के नोटिफिकेशन के साथ, एक और यूनिवर्सिटी में, जिसमें आप यदि करना चाहते हैं अप्लाई तो कर दीजिएगा, उस वीडियो का वेट कीजिए। आपने अपना बहुमूल्य समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब जो करना है करिए। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।